नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त ब्रजेश कुमार मिश्रा। और आप सभी को बता दें कि गोपालगंज में महानीलामी का आयोजन शुरू हो चुका है और इसका जो डेट है वो 7 फरवरी को गोपालगंज में होने जा रहा है। तो काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपनी अपनी गाड़ियों को ढूँढ रहे हैं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है लिस्ट के द्वारा। तो अगर आप भी अगर इन गाड़ियों को लेना चाहते हैं तो शीघ्र आवेदन को भरें और लग्जरी गाड़ियां यहां से आप ले सकते हैं। आप हमारे चैनल में बने रहिए, अभी हम आपको एक एक गाड़ियां आपको दिखाने वाले हैं और उसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार मिश्रा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आप सभी का इतना ना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है कि आज हम फिर एक बार गोपालगंज में महानीलामी जो हो रहा है उसमें एक से एक लग्जरी गाड़ियों को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ऑडी यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे आई हुई है। आप देख सकते हैं ऑडी, एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ आपको गोपालगंज में ही सिर्फ मिलने वाली हैं। पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा गाड़ियों का भी कहीं नीलामी चल रहा है सस्ते दामों में तो गोपालगंज बिहार में हो रहा है। बिहार में शराब में पकड़ी जा रही हैं गाड़ियां और जिनके कारण से इन्हें नीलाम किया जा रहा है और सस्ते दामों में लोगों तक ये गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो एक से एक लग्जरी गाड़ियां हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं इस वीडियो में कि गोपालगंज में मिलने वाली है। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से हैं, किसी भी शहर से हैं, अगर आपको सस्ती में अगर गाड़ियाँ चाहिए तो आपको यहाँ पर बिहार में मिलने वाली है। बिहार में लगातार हर ज़िले में नीलामी पे नीलामी चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा 4-व्हीलर गाड़ियों का नीलामी हमारे गोपालगंज शहर में होने जा रहा है। और हालाँकि यहाँ से उत्तर प्रदेश पास में होने के कारण से यहाँ पे एक से एक गाड़ियों का नीलामी हो रहा है और यहाँ पे पकड़ी जा रही हैं। अभी आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे एक न्यू स्कॉर्पियो भी आई है अभी जस्ट अभी। हालांकि इन ऑडी और इन स्कॉर्पियो अभी इसी नीलामी में भाग नहीं ले रही हैं, लेकिन आने वाले अगले महीने या 2 महीने के अंदर इन गाड़ियों का नीलामी होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करके रखिए। और पूरा प्रोसेस क्या है हम आपको वीडियो में पहले भी बता चुके हैं और आज भी एक बार आप लोगों को हम इन लग्जरी गाड़ियों को दिखाने जा रहे हैं जिससे कि आप अपना मनपसंद कार आप ले पाएंगे। यहाँ पे एम्बुलेंस भी है, यहाँ शराब तस्करी में एम्बुलेंस को भी पकड़ा गया है। और काफ़ी सारी लग्जरी गाड़ियाँ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मौजूद हैं अभी गोपालगंज में। स्कॉर्पियो को भी आप अंदर से थोड़ा दिखाएँ इन्हें, कितनी खूबसूरत स्कॉर्पियो हैं। आप देखेंगे तो सोचेंगे काश हम ले लें, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप कैसे ले पाएंगे इसका वीडियो हमने आपको पहले भी बना के दिखा रखा है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और उनसे आप गाड़ियां ले सकते हैं। और भी कई प्रकार की गाड़ियां हैं, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी हैं जो दूर दूर से, पटना से, मोतिहारी से और बाकी जो अन्य शहर है वहाँ से भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आके इन गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत क्रिएटा एक बार फिर आप लोगों को हम दिखा देने जा रहे हैं कि हुंडई की क्रिएटा जो कि नीलामी में भाग ले रही है सब। ये आपका हुंडई E1 है, आप इसको भी देख सकते हैं। एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ गोपालगंज के नीलामी में आपको मिलने वाली हैं। बात करें मारुति सुजुकी, हुंडई वरना, एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ आपको इस नीलामी में मिलने वाली हैं। तो आप विलम्ब न करें, यथाशीघ्र आप इस आवेदन को भरें और इन गाड़ियों का मालिक आप बन सकते हैं और अपने सारे शौक को भी पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बसें हैं, आपको हम आप लोगों का कमेंट आ रहा था इतना ज़्यादा कि सर आप थोड़ा बस भी दिखाइए और जो भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं थोड़ा उनको दिखाइए। तो हम आप लोगों को यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से शराब में यहाँ पर गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और पकड़ने के बाद इनको बिहार में नीलामी किया जा रहा है और इससे जो धन वसूला जाएगा वो राजहित में फ़ायदा होगा। एक से एक यहाँ पे तमाम बसें यहाँ पे लगी हुई हैं और गाड़ियाँ लगी हैं, पब्लिक यहाँ पे आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपना गाड़ी। सर आप पहले तो आप अपना नाम बताएं। राजू कुशवाहा नाम है हमारा, मोतिहारी, हम कोटवा से आए हुए हैं। मोतिहारी कोटवा से हैं यहाँ पे गाड़ी देखने। गाड़ी देखने, लेकिन यहाँ लिस्ट में जो है गाड़ी कोई नंबर नंबर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, केस नंबर जो भी था इन गाड़ियों पे वो किसी, चुका किसी है। गाड़ी पे केस नंबर नहीं है। है कि हम गाड़ी को कैसे ढूंढे जी, ये परेशानी सबसे ज्यादा आ रही है अभी। हाँ। कुछ दिनों से हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हम लोग गाड़ियाँ ढूंढने वहाँ पे जाते हैं लेकिन जो लिस्ट में गाड़ियाँ घूम रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा है।
तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और एक भाई साहब और हैं, ये आरा से आए हुए हैं, पटना से आए हैं हमारा वीडियो देखकर, और यहाँ पे गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं सुबह से लगातार, लेकिन इन्हें नंबर पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी का कौन सा नंबर है। हालांकि हमने इनको बताया भी है कि आप इस तरीके से गाड़ियों को, अगर आपको नंबर नहीं मिल पा रहा है तो उसका 34 नंबर पे गाड़ियों का नंबर दिया हुआ है, तो हाँ हर चीज़ को लोग नहीं देख पाएंगे। हालांकि काफ़ी नीचे होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो यही दिक्कतें हैं। बाकी हम आपको और गाड़ी यहाँ पे दिखाते हैं, जो लिया है सब प्लेट नंबर कवार के बिल दिया है सब पर, केस नंबर लिखा रहेगा तो सहूलियत होगा। कौन न्यूज़ है? MDS उजाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं काफ़ी दूर दूर से, और अपना अपना पसंद का गाड़ी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। एक से एक गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि इस बार नीलामी में भाग ले रही हैं इन सभी गाड़ियाँ। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे यहाँ पे लिस्ट लेके गाड़ियों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही आपको भी करना है, अगर आपको गाड़ी लेना है यहाँ से तो आपको लिस्ट डाउनलोड करना है। लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और आके अपने जो भी आपका गाड़ी लेने का मूड है उन गाड़ियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस नीलामी पर आप भाग ले सकते हैं। बता दें कि गोपालगंज में अभी 431 गाड़ियों का महानीलामी होने वाला है, जिसमें एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, एकदम सस्ते दामों में यहां पे निकल रही हैं। बाइक की बात करें तो बाइक यहां पे 6000 रुपये से स्टार्टिंग है, और जो छोटी कार है इनका रेट महज 25,000-35,000 से इस नीलामी में रखा गया है। और इतनी कम कीमत में आपको फिर दोबारा गाड़ियाँ नहीं मिलने वाली हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस नीलामी में सबसे ज़्यादा भाग लीजिए, और यहाँ से सस्ती गाड़ियाँ आप ले जा सकते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे हमारे पीछे यहाँ पे कितनी भारी संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ रखी गई हैं, एक से एक लग्जरी गाड़ी। यहाँ पे अर्टिगा गाड़ी है, पहले भी वीडियो में हमने आपको दिखाया था और आज भी आपको दिखा देते हैं, क्या मारुति सुजुकी अर्टिगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी सफारी है, हर प्रकार की गाड़ी यहाँ पे आपको इस नीलामी में मिलने वाली है, तो इससे सस्ती गाड़ी आपको फिर कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग इस नीलामी में भाग लीजिए और सस्ती गाड़ियां यहां से ले जाइए। मारुति सुजुकी बलोनो एकदम फ्रेश गाड़ी आप देख सकते हैं, पूरा कंडीशन इसका अच्छा है। आप चाहें तो इस गाड़ी पे फॉर्म भर के आप इन गाड़ियों को आप ले सकते हैं। साथ में यह हमारा फॉर्चूनर, जो कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा फॉर्चूनर को दिखाइए, तो यही है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। आप पूरे साइड से हम दिखा देते हैं आपको इस फॉर्च्यूनर को कि कैसी है यह गाड़ियाँ, और आप कैसे ले सकते हैं इन गाड़ियों को। तो जैसा कि आप सभी को हमने एक बार फिर गोपालगंज में महानीलामी जो चल रहा है उसका वीडियो आप लोगों को दिखाया। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, अगर कोई परेशानी है तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ, एक नए ज़िले के साथ, तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।